हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। हम सब जानते हैं पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते बच्चों के स्कूल बंद हैं और उनके ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, लेकिन अब कोविड के केसों में नरमी के चलते फिर से स्कूल खुलने लगे हैं और माना जा रहा है कि अप्रैल के नए सेशन से सभी स्कूल पूरी तरह खुल जाएंगे। लेकिन अभी भी पेरेंट्स के मन में बच्चों को स्कूल भेजने और स्कूल खुलने को लेकर कुछ शंकाएँ हैं, खासकर छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि ये महामारी अभी भी हमारे बीच में से पूरी तरह गई नहीं है और ना ही 12 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन लगी है। अब बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित है या नहीं और किस तैयारी के साथ बच्चों को स्कूल भेजें, इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सिम्बोसिस हॉस्पिटल की सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर वैदेही डांडे। वैदेही, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले वेदे ये बताइए, स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर और ग्रोथ पर काफ़ी असर देखने को मिला है और अब जब एक लंबे गैप के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, खासकर जिन बच्चों का इसी साल एडमिशन हुआ है और वो इस दुनिया से, जो स्कूल की दुनिया है, उससे वाकिफ नहीं है। हाँ, तो ये आप जो बोल रहे हैं, आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अभी कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 3-4 साल में जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं है शायद, क्योंकि पेरेंट्स जो माता पिता थे वो बहुत प्रोटेक्टिव थे ऐसे बच्चों के बारे में, घर में विजिटर्स नहीं आते थे, तो ये बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में बहुत तकलीफ हो रही है। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल, ये मैं बात कर रही हूँ बच्चे जो 5 साल की कम उम्र वाले बच्चे हैं, तो ये बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं है, कहीं कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया है, तो इनको घुलने मिलने में बहुत तकलीफ होती है। तो यही जब ही बच्चे जब स्कूल जाना चालू करेंगे और बहुत सारे बाकी बच्चे भी होंगे क्लास में, टीचर्स होंगे, तो ये बहुत नया माहौल होगा ये बच्चों के लिए। तो इसीलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने और स्कूल्स को भी ने भी काफी स्कूल्स भी काफी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं और स्कूल्स भी काफी वो गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, और ये जो बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में स्टैगर्ड, मतलब इनिशियली जो जिसको हम बोलते हैं, जैसे ही स्कूल जाना चालू करेंगे तो एकदम से सब पूरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड स्कूल नहीं रहेगी, कुछ कम घंटों के लिए पहले स्कूल रहेगी, फिर धीरे धीरे स्कूल के आवर्स बढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम तक बच्चे बैठेंगे, पहले कम बच्चे होंगे क्लास में, फिर ज्यादा बच्चे रहेंगे, पहले बैचेस में बुलाएंगे बच्चों को, उसके बाद फिर सब बच्चों को साथ में बुलाएंगे, पहले कुछ दिन हफ्ते में स्कूल होगी, उसके बाद ज्यादा रोज की स्कूल रहेगी, ताकि बच्चे इजीली धीरे धीरे अडेप्ट कर जाए। बट इसमें अच्छा ये है कि बच्चों को ऑनलाइन स्कूल का थोड़ा एक्सपोजर हुआ है, तो वो जो लोगों को ऑनलाइन मिलते थे वो जानते हैं, वो लोगों को जो स्कूल में मिलने वाले हैं उनको पहले से ही जानते हैं, तो शायद इसकी वजह से उनको अडेप्ट होने में इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, स्टार्टिंग में जब ही स्कूल जाना चालू करेंगे बच्चे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और बच्चे वैसे ही बहुत अडेप्टेबल रहते हैं। जैसे ये 5 साल की कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत चैलेंजेस को फेस किया है, उसी तरह से वो वापस जैसे गोइंग बैक टू स्कूल वाला चैलेंज भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती हुई है, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो आप जितने भी उनको चैलेंजेस देंगे वो अच्छी तरह से उसको सामना कर पाएंगे, क्योंकि चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट लर्निंग जी। पर बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स डरे हुए हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे वो जेल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इस एनवायरनमेंट में, तो पेरेंट्स के लिए बहुत एक असमंजस की स्थिति है उनके लिए। मेरी यही सलाह रहेगी कि बच्चों के ऊपर आप कॉन्फिडेंस दिखाओ, बच्चे किसी भी एनवायरनमेंट में सबसे पहले बड़ों से भी ज्यादा अच्छे से बच्चे ही घुल मिल जाते हैं या बच्चे ही अडेप्ट करते हैं,
और उनको अपॉर्चुनिटीज दो, मतलब उनको घर में कैद करके मत रखो डर की जी वजह जी से, क्योंकि फॉर्चुनेटली अभी जो लास्ट जो थर्ड वेव कोविड का था, जिसको हम ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला वेव था, फॉर्चुनेटली वो इतना सिवियर नहीं था। सेकेंडली तीनों भी वेव्स में जो बच्चे हैं उनको सिवियर बीमारी, जो हेल्दी बच्चे हैं उनको जी सिवियर बीमारी नहीं हुई थी। और थर्डली अभी सभी जो अडल्ट्स हैं, 90% ऑफ द अडल्ट्स इन इंडिया अगर हम बात करें, तो उनको एटलीस्ट एक डोज मिल चुका है, और अराउंड 70% को दोनों भी डोजेस मिल चुके हैं। तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस बहुत कम है। तो बच्चों को वैक्सीन नहीं मिला है, या अगर आपका कंसर्न है जिसकी वजह से आप बच्चों को नहीं भेज रहे स्कूल, जी तो उसके बारे में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। प्लस जो भी स्कूल्स टीचर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं वो वही टीचर्स को अलाउ कर रहे हैं जो अच्छे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड वैक्सीनेटेड है। हो। जी बिल्कुल स्कूल के डॉक्टर, ये भी एम्प्लॉयज भी बताइए सब जी, जो बच्चे पहले ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और अब स्कूल रीओपन होने के बाद डिजिटल से फिजिकल, दोनों लर्निंग में एकदम से बिल्कुल बदलाव आ जाएगा, क्योंकि पहले बच्चे फिजिकल से डिजिटल में गए थे, अब फिर से डिजिटल से फिजिकल में आएंगे, तो इससे बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या बच्चे दोबारा से इस लर्निंग पैटर्न को जल्दी से अडॉप्ट कर पाएंगे? बच्चों के ऊपर तो डेफिनेटली पॉजिटिव असर ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को घर में एक चेयर पे स्क्रीन के सामने बैठना अच्छा नहीं लगता है। जी जी वो फोर्सफुली उनको बैठना पड़ा, इसलिए उन्होंने किया। उसी तरह से जैसे वो लोग, एंड बिलीव इट और नॉट, सब बच्चों को स्कूल जाने की बहुत जल्दी है। मतलब जी उनको किसी भी बच्चे को अगर आप पूछेंगे कि आपको स्कूल अच्छी लगती है, कि आपको ऑनलाइन स्कूल अच्छी लगती है, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल ऑफ द ओपिनियन कि उनको स्कूल वापस जाना है। जी तो मुझे नहीं लगता कि वो चिंता करने वाली बात है कि बच्चे अडेप्ट कर, स्पेशली जो पहले स्कूल जा चुके हैं वो बच्चे अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो उसी चीज के लिए रुके हुए कि हम कब स्कूल जा सकेंगे, कब हम हमारे दोस्तों से मिलेंगे, कब हम हमारी पहली वाली एक्टिविटीज अच्छे से पूरी जी तरह से कर पाएंगे। जी डॉक्टर, तो ये बताइए, यदि कोई स्कूल अभी भी डिस्टेंस लर्निंग चालू रखते हैं तो इसका बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, और बच्चों के लिए स्कूल जाकर पढ़ाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चों को स्कूल जाकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन स्कूलिंग शुड बी एन ऑप्शन उन्हीं सिचुएशंस में जब हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते किसी कारण की जी वजह से, जैसे अगर बीमार है बच्चा, या वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं है, बहुत बारिश हो रही है या बहुत ठंड है, स्नोफॉल हो रहा है जहाँ पे भी स्नोफॉल होता है, फ्लडिंग है, तो इस सिचुएशन में ऑनलाइन स्कूलिंग इज अ गुड ऑप्शन। बट एज फार एज पॉसिबल स्कूल जाना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल जाना इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स, अबाउट जी अटेंडिंग जी क्लासेस, इट इज ऑल्सो अबाउट सोशलाइजेशन। मतलब आप दोस्त बनाते हो, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है वो हम जी सीखते हैं। सेकेंडली द फिजिकल एक्टिविटी पार्ट, विच वॉज, मतलब वो बहुत अफेक्ट हुआ है पैंडेमिक की वजह से। बच्चे घर में ही बैठते थे, जितना हम घर में बैठते हैं उतना ज्यादा खाते हैं, खाना पीना हाथ में मिलता है, तो वो सब सेल्फ रेगुलेशन बच्चे नहीं सीख पाते हैं जब ऑनलाइन स्कूल करते हैं। तो जी जब स्कूल में जाएंगे तो उनका फिक्स्ड आवर्स रहेगा, ये टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे हमको स्कूल अटेंड करना है, इतना फिजिकल एक्टिविटी करना ही है दिन में, वो पूरा डिसिप्लिन स्कूल जाने से ही होता है, जो घर जी में कितना भी आप कोशिश कर लो नहीं कर पाते। जी वैसे तो बच्चे काफ़ी पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ ज़्यादा सीख गए हैं, पर अभी भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग, और जो खासकर छोटे बच्चे हैं, और मास्क के बारे में समझाना हो तो बच्चों को हम इसके बारे में कैसे समझाएं? देखो, मुझे मेरे एक्सपीरियंस से छोटे बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पैदा ही हुए हैं मास्क लगा के। वो उनको पता है कि बाहर निकलना है, अगर हम भूल जाए तो वो हमको याद जी दिलाते हैं कि जी आपको बिल्कुल मास्क लगाना है। तो छोटे बच्चों का इतना ये नहीं है, इतना मतलब वो लोग, उनको पता है कि मास्क लगाना है, क्योंकि वो वैसे ही बड़े हुए हैं। तो जो थोड़ा सा ट्रबलसम एरिया है वो अडोलोसेंट्स, मतलब जो अराउंड 10-12 साल के बच्चे हैं, उनमें बहुत ज्यादा रिबेलियन रहता है, प्लस रूल्स ब्रेक करने का टेंडेंसी रहता है। तो बार बार रीइन्फोर्स करके ही इसको हम टाल सकते हैं। तो बार बार उनको ये बताना जरूरी है कि मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करो, दूर बैठो,
इट इज आपको बताते रहना पड़ेगा कि नहीं ये अभी भी जरूरी है, अभी भी जरूरी है। हमसे तो ज्यादा टीचर्स को मतलब बताते रहना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद। वही, हाँ मतलब घर में जब बच्चे आते हैं तो उनको पूछना है कि आपने मास्क पहना था कि नहीं, जाते वक्त उनको जी बताना है कि मास्क पहने रखो। टीचर्स तो अपना काम स्कूल में करती है तो वो जी भी जी स्कूल में बताएंगी कि मास्क पहने रहो। जी विदाई, सबसे ज़रूरी है इस टाइम इम्यूनिटी की बात हो रही है, पिछले 2 साल से हमने सिर्फ एक ही वर्ड सुना है तो इम्यूनिटी ही है, तो बच्चों की हेल्थ तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बच्चों के लंच में फूड हैबिट्स कैसे मेंटेन करें एंड स्पेशली बच्चों को हेल्दी खाना कैसे खिलाएं, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना ही सबसे बड़ी टास्क है। हाँ वो बहुत बड़ी टास्क है और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमने जो एज पीडियाट्रिशियंस देखा है वो है कि बच्चों का वजन बहुत बढ़ गया है, जी जी क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम थी और घर में बैठ के स्क्रीन के सामने बैठना और खाना यही ज्यादा कर रहे थे सब बच्चे, तो इसलिए स्पेशली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्लस सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम था इन 2 सालों में, इसलिए विटामिन की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन हो गई है अभी जी जी बच्चों में। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बचपन से ही इंकलकेट करना बहुत जरूरी है एंड एट द सेम टाइम आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको जो चाहिए वो आप खाओगे पर बच्चों को हेल्दी खिलाओगे, ऐसे नहीं हो सकता है। तो आपको खुद भी थोड़ा कंट्रोल करना, मतलब पेरेंट्स को खुद भी कंट्रोल करना पड़ेगा वो क्या खाते हैं, वो क्या बाहर कितने बार खाते हैं, बाहर का कितने बार मंगवा के खाते हैं। मुझे है, लगता है बच्चों जंक को फूड। ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए, अगर आप उनको बच्चों को मैगी या पराठा में ऑप्शन देंगे तो ऑब्वियसली बात है बच्चा मैगी ही मांगेगा। तो हाँ, हमें एज अ पेरेंट्स ऑप्शन स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से बच्चों तो को। इसको हम बोलते हैं रेशनिंग करना है खाने का। अभी आप बच्चे को बोलोगे कि आपको ये खाना ही नहीं है तो बच्चे को क्रेविंग होगी और वो क्रेविंग में फिर वो ही दिमाग में आते रहेगा कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। इससे अच्छा कि उसको बताना है कि देखो एक महीने में तुमको एक ही बार मैगी मिलेगा, एक ही बार बाहर का मंगवा के खाने का चांस मिलेगा। जी एक दिन तय कर सकते हो कि ठीक है एक संडे के दिन आप मंगवा के खा सकते हो, प्रोवाइडेड कि पूरा हफ्ता आपने अच्छे से सुबह शाम और ब्रेकफास्ट लंच और डिनर टाइम पे किया और जो घर में बना बना हुआ खाना है वो खाया। सेकेंडली मीठा खिलाना बच्चों को, बच्चों को मीठा बाय नेचर पसंद रहता है बट सब फसाद की जड़ अगर हम बोले, सब हेल्थ इश्यूज की जड़ ये जी बहुत ज्यादा स्वीट्स खाना है, तो बचपन से ही अगर हम स्वीट इनटेक को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आदत बन जाएगी और आगे चल के डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये सब, इवन फॉर दैट मैटर कोई कोई टाइप के जो कैंसर्स होते हैं वो भी ओबेसिटी की वजह से होते हैं और मीठा जी खाना ओबेसिटी का प्रिकर्सर है। जितना हम मीठा खाएंगे उतना वजन ज्यादा बढ़ेगा और ओबेसिटी का रिस्क ज्यादा रहेगा। जी तो मीठा खाने पे रेगुलर घर में भी मीठा बनाना, अगर आप बना रहे हो तो हफ्ते में एक बार या मैक्सिमम 2 बार, ऐसे नहीं है कि रोज कुछ तो मीठा बना के खिलाना है। तो ऐसा घर में भी आप जो बनाते हो वो भी हेल्दी बनाना, हेल्दी फूड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि घर का बना है अच्छा ही है, हमेशा जरूरी नहीं है कि घर पे बनाया हुआ भी अच्छा ही हो। एवरीडे अगर आप कुछ तल के खिला रहे हो बच्चों को, बहुत मीठा शक्कर डाल के हर एक सब्जी सब शक्कर डाल के खिला रहे हो तो वो अच्छी नहीं है। तो इसीलिए बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या चपाती भी हो, चावल भी हो, 2 सब्जियां हो, एक फल हो डेली डाइट में, कम से कम 400 ml या 400 ml दूध या दूध की चीज हो, नॉनवेज अगर खाते हैं तो नॉनवेज में ज्यादा तल के बनाया हुआ नॉनवेज नहीं बनाना है, स्टीम किया हुआ या पकाया हुआ नॉनवेज बनाना है। अंडा अच्छी चीज होती है तो अंडा यू कैन इंक्लूड एवरी डे इन द डाइट। तो इस प्रकार से एक बैलेंस डाइट रोज खाना जरूरी है। ओके वैसे लॉकडाउन में बच्चों ने बहुत मोश मारी है, लेकिन अब उनका एक टाइम टेबल सेट करने का टाइम आ गया है कि जैसे कि समय पर सोना, कम टीवी देखना और लैपटॉप पर कम ध्यान देना और प्ले ग्राउंड में ज़्यादा खेलना। तो इसके अलावा बच्चों को और क्या क्या हम एक टाइम टेबल बना सकते हैं अब जब उनका एक नया स्कूल रूटीन स्टार्ट होगा? तो स्कूल में तो टाइम टेबल वैसे ही बना बनाया मिल जाता है, उसके बाद आने के बाद कोई भी जो बच्चा होता है एज पर द गाइडलाइंस दिन में कम 4 घंटे फिजिकल एक्टिविटी में उसने बिताने चाहिए। अभी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स सीख रहा है तो स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, सिर्फ चलना भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, बट दिस हैज टू बी फॉलोड फॉर एटलीस्ट मतलब 4 घंटे दिन में बच्चे ने फिजिकल एक्टिविटी में स्पेंड करना चाहिए।
और टीवी स्क्रीन टाइम जिसको हम बोलते हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 आवर्स फॉर बच्चे जिनका जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है, 2 साल 2 घंटे से ज्यादा बच्चों ने स्क्रीन के सामने नहीं बिताना चाहिए, और 2 से 5 साल के बच्चों ने 1 घंटे के ऊपर स्क्रीन के सामने नहीं बिताना चाहिए, और एक्चुअली स्पीकिंग लेस देन 2 ईयर्स तो बच्चों ने स्क्रीन को एक्सपोज ही नहीं होना चाहिए। अगर जो भी एक्सपोजर है स्क्रीन का, इट कैन बी फॉर वीडियो चैटिंग और समथिंग लाइक दैट, बट अदरवाइज टीवी दिखाना, कार्टून दिखाना, म्यूजिक दिखाना, बच्चों को डांस वांस दिखाना, ये सब लेस देन 2 ईयर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जी उनको फिर वही आदत बन जाती है और फिर वो बढ़ती जाती है, फिर ओके okay. एट वैदई, आफ्टर अ हाँ पर्टिकुलर पॉइंट जी, वैदई कंट्रोल करना आपने मोर डिफिकल्ट। बहुत पहले भी बताया वैक्सीन के बारे में, पेरेंट्स की वैक्सीन को लेकर भी एक चिंता है, अभी आपने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अभी भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है हमारे देश में, तो ऐसे में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना कितना सेफ रहेगा, जब अब नए नए वेरियंट्स की बात हो रही है कि अब ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा का मिला के मिक्स करके एक नया वेरियंट आने वाला है, तो उससे अपने बच्चों को कैसे बचाएं, और ये कैसे रहेगा स्कूल भेजना सेफ बिना हाँ, बिना तो वैक्सीन के? वैक्सीनेशन का एक ये है कि इट इज नॉट फूल प्रूफ, ऐसे नहीं है कि आपने वैक्सीन ले लिया और आप पूरा ऐसा सुरक्षा कवच बन गया आपके आजू जी बाजू जी में और आपको अभी इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क वेयरिंग, तो वो तो करना ही है। तो इफ यू फॉलो दैट, इफ द किड्स फॉलो दैट रिलीजियसली, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम है। सेकेंडली, काफी बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसको नेचुरल इम्यूनिटी है, तो उसको सीवियर इन्फेक्शन होने का या वापस री इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत कम है। सेकेंडली, अभी हमारी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी भी काफी हद तक बन गई है, इसके लिए जी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो ये बच्चों को इन्फेक्शन मिलेगा तो टीचर्स से मिलेगा जो ऑलरेडी इम्यूनाइज वैक्सीनेटेड है, या स्कूल वर्कर्स से मिलेगा जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो चांसेस ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ अटेंडिंग द स्कूल इज वेरी लेस। और अगर आप बोल रहे हो स्कूल में नहीं भेज रहे हो, बट एवरीबडी इज अटेंडिंग ऑल द सोशल गैदरिंग्स, ऑल द सोशल फंक्शंस, पीपल आर पार्टिंग, गोइंग फॉर वेकेशंस, तो अगर आपको स्कूल में नहीं भेजना है तो ये सब भी चीजें मत करो, जी, ये मतलब मेरा आपका थम्स मानना अप है। है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? डेफिनेटली, जी एज डॉक्टर, अ आप मदर ऑफ टू किड्स, मैं खुद मेरे बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ, जी दोनों जी जी भी 12 साल से कम। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कोरोना के केसेस भले ही कम हो रहे हैं, सभी स्कूल रीओपन हो रहे हैं, कुछ स्कूलों में बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में ज़रूर समझाएं, और बच्चों को खाने पीने का जो है उनका पूरा ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.